हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दहेज मृत्यु, यानी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो क्या वो दहेज मृत्यु है या नहीं है, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहले हम लॉ के बारे में बात करते हैं कि लॉ में क्या प्रोविज़न है दहेज मृत्यु के बारे में। तो IPC का सेक्शन 304B कहता है दहेज मृत्यु के बारे में। तो यहाँ पर एक तरह का डेफिनेशन और पनिशमेंट भी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह माने होता है जलकर या फिर आग के द्वारा या शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु होती है या उसके विवाह के 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले उसके पति ने या फिर पति के नातेदारों ने दहेज की मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ से मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और पति नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझे जाएंगे। एक्सप्लेनेशन कहता है कि दहेज मृत्यु की डेफिनेशन क्या होगी, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसमें जो धारा 2 में बताया गया है वही दहेज की डेफिनेशन होगी। और सेकंड क्लॉज कहता है कि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी कि जो पनिशमेंट होगा 7 वर्ष से कम का नहीं होगा और आजीवन कारावास तक होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया लॉ में, जो लॉ में क्या बताया गया है इसके बारे में। अब मैं एक सिंपल जो भाषा है आपको समझने के लिए कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जो डेथ हुई है वो डॉरी डेथ है या नहीं है, दहेज मृत्यु है या नहीं है, वो कैसे पता लगाएं। तो चलिए एक सिंपल सी, तो ये कुछ तरह से एक डायग्राम बनाया मैंने कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई डेथ है तो वो दहेज मृत्यु है या नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति कोई भी पता लगा सकता है। तो 3 पॉइंट हैं, अगर ये तीनों फुलफिल होते हैं तो वो दहेज मृत्यु है। तो पहला पॉइंट है, क्या महिला की मृत्यु जलकर हुई, यानी कि उसकी जो महिला की जो डेथ हुई है वो यानी कि जलकर हुई है आग के द्वारा, या फिर उस महिला की मृत्यु शारीरिक क्षति से, यानी कि उसको कोई पीड़ा दी गई है, बॉडीली इंजरी की गई है, उसके दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इनमें से कोई भी होगा। ठीक है, और क्या मृत्यु विवाह के 7 साल के भीतर हुई है, यानी कि जो उसकी डेथ हुई है उसके शादी के 7 साल के अंदर हुई है, तो वो दहेज मृत्यु की कैटेगरी में आता है। और जो थर्ड पॉइंट पर हमें फिल करना है, क्या मृत्यु से पहले दहेज की मांग की गई थी उसके पति के द्वारा या फिर नातेदारों के द्वारा, या फिर क्या मृत्यु से पहले क्रूरता की गई थी, दोनों में से कोई भी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों टिक हो जाती हैं कि या तो उसकी जलकर डेथ हुई थी, 7 साल के भीतर उसकी डेथ हो गई, और जो डेथ के पहले उससे दहेज की मांग भी की गई थी, तो तीनों फुलफिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मृत्यु है वो एक दहेज मृत्यु है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।